नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से सावरकर के मुद्दे को लेकर शिवसेना असमंजस की स्थिति में फंस गई है और कैसे इस मुद्दे ने बीजेपी को महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार को घेरने के लिए एक बहाना दे दिया है। जब महाराष्ट्र में सरकार गठित करने के लिए शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, ये तीनों पार्टियां साथ में आई, तो इन्होंने अपनी विचारधाराओं को एक तरह से दरकिनार कर दिया। शिवसेना एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी मानी जाती रही थी और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी खुद को सेकुलर बताते आए हैं, लेकिन उनके ऊपर शिवसेना और बीजेपी जैसी पार्टियां अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने का आरोप लगाती रही हैं। लेकिन जब सरकार बनाना तय हुआ तो ये बात तय हुई कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा और उसमें ये सभी पार्टियां उन मुद्दों को दरकिनार रखेंगी जिनसे कि विवाद हो सकता है। सरकार गठित करने के लिए तीनों पार्टियों ने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया, उसकी प्रस्तावना में सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस सेकुलर शब्द की वजह से ये कहा जाने लगा कि शिवसेना ने फिलहाल अपने हिंदुत्व के एजेंडे को एक और रख दिया है। लेकिन अब 28 नवंबर को उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 3 हफ्ते बाद चंद मुद्दों को लेकर अब तीनों ही पार्टियों में मतभेद नजर आने लग गए हैं। और इनमें से जो सबसे प्रमुख मुद्दे हैं, उनमें से एक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और दूसरा सावरकर का मुद्दा। जहां तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का सवाल है, तो लोकसभा में तो शिवसेना ने उसका समर्थन किया, लेकिन जब बिल राज्यसभा में आया तो शिवसेना ने उसके खिलाफ बात की। माना यह जा रहा है कि शिवसेना ने अपना स्टैंड इसलिए बदला क्योंकि कांग्रेस इस बिल के खिलाफ है, और यही वजह है कि लोकसभा में जब उसने बिल के समर्थन में स्टैंड लिया तो कांग्रेस की ओर से नाराजगी जताई गई और इसके बाद राज्यसभा में शिवसेना ने अपना रुख बदल लिया। शिवसेना के इस बदले हुए रुख पर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में चुटकी भी ली थी और ये कहा था कि रातों रात शिवसेना ने अपना स्टैंड इसलिए बदला है क्योंकि उसे महाराष्ट्र में सत्ता का लालच है। इससे पहले कि शिवसेना इस विवाद से उबर पाती, उसके सामने एक और विवाद आ गया। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत हुई थी 12 दिसंबर को, जब राहुल गांधी ने झारखंड में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी के मेक इन इंडिया अभियान पर चुटकी ली थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में मेक इन इंडिया की जगह पर रेप इन इंडिया हो रहा है। उनके इस विवाद के बाद बीजेपी ने काफी आक्रामक तरीके से उनको टारगेट किया और राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहा। इसका जवाब राहुल गांधी ने 2 दिनों बाद जब दिल्ली में कांग्रेस ने भारत बचाओ रैली आयोजित की तब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वो राहुल सावरकर नहीं है, राहुल गांधी है, और इसलिए वो माफी नहीं मांगेंगे। भाई और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। अपने भाषण में इस तरह से सावरकर का जिक्र कर राहुल गांधी ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया और बीजेपी को इससे एक मौका मिल गया शिवसेना पर निशाना साधने का। बीजेपी ने चुनाव के पहले शिवसेना के साथ जब चुनाव लड़ने का बीजेपी ने ऐलान किया था महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान, तो उसके पहले जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें ये बात कही थी कि बीजेपी सावरकर को भारत रत्न दिलाने के लिए प्रयत्न करेगी। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी और शिवसेना को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया कि आखिर इस मुद्दे को लेकर शिवसेना इतनी नरम क्यों पड़ गई है। फडणवीस ने आरोप लगाया कि शिवसेना सत्ता के खातिर ऐसे लोगों के साथ है जो कि सावरकर का अपमान कर रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट करके राहुल गांधी को नसीहत दी कि हम जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं, लेकिन तुमको सावरकर का अपमान नहीं करना चाहिए। राउत ने यह भी कहा कि सावरकर को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने प्रतिक्रिया दी कि शिवसेना को सत्ता या सावरकर में से किसी एक को चुनना चाहिए, सिर्फ ट्वीट कर काम नहीं चलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और सावरकर के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने शिवसेना को घेरने की योजना बनाई है। वैसे सियासी हलकों में माना जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर ठाकरे सरकार पर आंच नहीं आने वाली है, लेकिन मान लीजिए कि कल को अगर ये सरकार गिर जाती है तो जो कारण सरकार गिरने के पीछे गिनाए जाएंगे उनमें से एक सावरकर का मुद्दा भी होगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।